Good morning, everyone. Today we are going to class 2nd EVS lesson 3. Already we have completed lesson 1 and 2. Okay, now we are going to study lesson 3. Houses around us. अपना घर के बारे में हम आज पढ़ेंगे. Okay, और a home provides shelter. एक घर हमको shelter देता है, मतलब छाया देता है. एक घर हमको बचाता है heat, cold, rains, forest animals और उस सब में सब चोरों से तीर से हमको सबको कौन बचा के रखता है? एक house, shelter, एक house. We should keep our house neat and clean. हम हमारा घर हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. ए हाउस इज जस्ट बिल्डिंग. ए हाउस इज जस्ट बिल्डिंग. एक घर को हम जस्ट बिल्डिंग होता है, मतलब एक मकान होता है. एक हाउस इज जस्ट बिल्डिंग. बट एक होम इज ए प्लेस वेयर वी लिव विद अवर फैमिली एंड फील कंफर्टेबल. एक होम होता है जो हम कहाँ अपना फैमिली के साथ रहता है, एकदम फीलिंग कंफर्टेबल, एकदम रिलैक्स है. जो कहाँ हम रहता है एक फैमिली के साथ, उसको हम कहता है होम. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. अलग अलग तरीके से हम हाउसेस, अलग अलग तरीके की मकान होता है, अलग अलग तरीके की मकान होता है, अलग अलग तरीके से जो मकान बनता है. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी पक्का हाउस. फर्स्ट पक्का हाउस, अलग अलग टाइप की मकान होता है जो मैंने आपको बताया था, उसमें फर्स्ट है पक्का हाउस. ऑलरेडी आप लोग एक पक्का हाउस की बात बारे फर्स्ट क्लास में पढ़ चुका है, पर फिर भी मैं आपको कहती हूँ पक्का हाउस. व्हाट इज पक्का हाउस? ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड स्टील आर यूज्ड टू बिल्ड पक्का हाउस. एकदम पक्का हाउस को बनता है सीमेंट है और ब्रिक्स है, आयरन है और स्टील है, ये सब यूज करता है क्या बनाने के लिए? एक हाउस बनाने के लिए और पक्का हाउस के लिए. एकदम पक्का हाउस, वो जल्दी टूट ना जाए, उसको कम कहता है पक्का हाउस. एकदम पक्का बनता है, भी अपना सबका घर पक्का है, क्योंकि वो कैसे बनता है? सीमेंट एंड ब्रिक्स से बन जाती है. ओके, नेक्स्ट कच्चा हाउस. नेक्स्ट क्या है? कच्चा हाउस. व्हाट इज कच्चा हाउस? मड, स्ट्रॉ, वुड, स्टोन्स एंड बांबू आर यूज्ड टू मेक ए कच्चा हाउस. हम कच्चा हाउस बनता है मिट्टी से और वुड लकड़ी से और बांबू से. हम क्या बनाता है? कच्चा हाउस बनाता है. ओके, जो कच्चा हाउस है वो जल्दी, ये मिट्टी मिट्टी होती है, वो जल्दी खराब हो जाती है, उसको कहता है हम कच्चा हाउस. ओके, यू आर अंडरस्टैंड व्हाट इज पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस? कच्चा हाउस हम बनता है और किस किस से कच्चा हाउस पक्का हाउस बनता है? ब्रिक्स आर सीमेंट है, आयरन, स्टील, ये सब कुछ हम यूज करते हैं पक्का हाउस बनाने के लिए. और पक्का हाउस को हम कहता है बंगलो और अपार्टमेंट्स है. बंगलो क्या होता है? इज ए लो हाउस हैविंग ए सिंगल स्टोरी और ए सम केसेस ए फ्यू रूम्स आर सेट इन ए रूफ. एक छोटा सा एक मंजिल का मकान होता है, उसको हम बोलता है बंगलो. नेक्स्ट अपार्टमेंट क्या है? नेक्स्ट अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट्स है हाउस यूनिट दैट ऑक्यूपाइज ओनली पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग. अपार्टमेंट्स होता है बड़ा बड़ा मकान, एक दो तीन चार मंजिल की जो बड़ा बड़ा मकान बनता है उसको हम कहता है अपार्टमेंट, वही होता है पक्का हाउस. नेक्स्ट कच्चा हाउस. कच्चा हाउस हम बनता है मिट्टी से. ओके, कच्चा हाउस. कच्चा हाउस हम, वी आर मेकिंग कच्चा हाउस इज यूजिंग मड, स्ट्रो, वुड, स्टोन्स एंड बांबू. हम कच्चा हाउस मिट्टी से बनता है, बांबू से बनता है, वो जल्दी खराब हो जाती है. ओके, उसमें से हम बनता है ए हट इज एन एग्जांपल ऑफ ए कच्चा हाउस. एक चौपड़ी बनता है कच्चा हाउस. ठीक है, एक मिट्टी से जो उस बांबू से जो बन
एक हट बन जाता है वो चौपड़ी होती है। ओके समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है एक कच्चा हाउस और पक्का हाउस क्या क्या होता है, देखो हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे। परमानेंट हाउस कुछ घर होता है जो परमानेंट एक जगह पे बन सकता है, वो भाई रुक जाता है। देखो पक्का हाउस अंदर कच्चा हाउसेस आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड एंड कैनॉट बी मूव्ड, दे आर कॉल्ड द परमानेंट हाउस। कच्चा हाउस अंदर पक्का हाउस आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड, एक ग्राउंड में एक जमीन में जो बना हुआ है एकदम फिक्स्ड है, वो उधर से हिलेगा भी नहीं। जो मकान जो हम बनता है उसको हम कहता है परमानेंट हाउस। ओके और क्या क्या है, हाथ से बंगला अपार्टमेंट से ये सारे होता है परमानेंट हाउस। ओके परमानेंट हाउस क्या होता है, पक्का अंदर कच्चा हाउसेस आर फिक्स्ड इनटू द ग्राउंड एंड कैनॉट बी मूव्ड, दे आर कॉल्ड द परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस क्या होता है, जो एकदम फिक्स्ड एक जमीन में जो बनता है वो वही फिक्स्ड होता है। ओके समझ में आ गया। नेक्स्ट टेंपरेरी हाउस और टेंपरेरी हाउस, दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे लिव इन टेंपरेरी। ओके द कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरा जगह पे जाने वाला घर होता है, वो पैदल पैदल नहीं जाता है, क्योंकि एक कुछ होता है उसका एग्जाम्पल मैं बोल देती हूँ आप लोगों को, टेंट्स, क्या है टेंट, एक जगह पे कुछ लोग होता है वो टेंट बना के रहता है, वो टारपोल से कुछ सामान से कारवान से जो बनता है टेंट बना के एक जगह पे रहता है, फिर वो उधर से कुछ परेशानियों से उधर से उड़ के दूसरा जगह पे चले जाता है, वही बना के रहता है। ओके नेक्स्ट है कारवांस, कारवांस को होता है टायर व्हील्स, वो अपनी व्हील से चलते जाते हैं। ओके कारवान इज अ हाउस ऑन व्हील्स एंड लुक्स लाइक अ वैन, हमको ये कारवांस लगता है एक वैन की जैसे। ओके एक वैन की जैसे होता है कारवांस, एक जगह से वो दूसरे जगह पर चलने के लिए उसको क्या है व्हील होता है, इसलिए वो इसको कहता है हम टेंपरेरी हाउस। नेक्स्ट हाउस बोट, ये हाउस बोट इज मेड ऑफ वुड एंड फ्लोट्स इन रिवर्स एंड लेक्स, ये हाउस बोट होता है रिवर्स एंड लेक में, नदी में और समुद्र में जो होता है वो हाउस बोट्स। ओके वो भी चलते जाते हैं, वो टेंपरेरी हाउसेस होते हैं, एक जगह पे टिकते नहीं है, उसको हम कहता है टेंपरेरी हाउसेस। ओके नेक्स्ट है देयर आर सम स्पेशल हाउसेस बिल्ट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, एक क्लाइमेट की वो क्लाइमेट की मौसम के हिसाब से कुछ जगह पे अलग अलग तरीके के मकान बना चुका है, वो हम पढ़ेंगे। इग्लूस, इन कोल्ड रीजन्स पीपल बिल्ड देन शेप हाउसेस यूजिंग स्नो ब्लॉक्स, द कोल्ड रीजन्स कुछ जगह हमको मालूम है एकदम कोल्ड, देखो जम्मू कश्मीर में भी एकदम कोल्ड है, कुछ हिमालय वगैरह हम देखोगे तो क्या गिरता है स्नोस गिरता है उधर, और क्या बोलते हैं बर्फ है ना, बर्फ गिरने वाला जगह होता है उसी जगह पे जो बनता है उस मकान को हम कहता है इग्लूस, क्या है इग्लूस। द इन कोल्ड रीजन पीपल बिल्ड होम शेप हाउसेस यूजिंग स्नो ब्लॉक्स, ओके स्नो ब्लॉक्स की जगह पे जो बनता है इग्लू का स्नो ब्लॉक्स, स्नो ब्लॉक्स जो बनता है जो इग्लू बोलता है उसको। नेक्स्ट स्टिल्ट हाउसेस, क्या है स्टिल्ट हाउसेस, इन हेवी रेनफॉल रीजन पीपल बिल्ड देयर हाउसेस स्टिल्ट हाउसेस, इन हेवी रेनफॉल रीजन्स बहुत ज्यादा बारिश की जगह होता है उधर जो लोग बनता है स्लिट हाउसेस। ओके नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रूफ ऑफ ए हाउस, रूफ मतलब जो छत है उसको कहता है हम रूफ, अलग अलग तरीके का रूफ बन जाता है, ए रूफ इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए हाउस।